हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस बेसिक ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइमलाइन के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइमलाइन के अंदर मेरे पास दो चीज़ें, दो पैनल यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक साइड में हमारे पास लेयर होती है जो कि हम सब सेप वगैरह यही देखें, तो हमारे पास यहाँ पर आइज दी हुई है जो कि हमारा हाइड और अनहाइड में यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई भी लेयर है हमारी वो हाइड और अनहाइड होती है। एंड हम साइड में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम का बटन को मिलता है। अगर मेरे पास अभी ये सेप लेयर है, बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी म्यूजिक वाली या वीडियोज़ वाली होती तो हमको ये आइकन यहाँ पर मिलता, बट अभी फ़िलहाल नहीं क्योंकि ये सेप लेयर है। एंड हमारे पास दूसरा मिलता है यहाँ पर सोलो हिडन, जो कि हमारे पास यूज़ होता है, जो कि हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं दो तरीके में। अगर हमने किसी भी लेयर को सेप मतलब मास्किंग किया है तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी मास्क करते हैं किसी भी सेप लेयर पे और वहाँ पर हम सिर्फ मास्क देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करते हैं हमें ओनली मास्क दिखाई देगा। एंड सेकेंड हम इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी लेयर्स हो और हमें वहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर फाइंड आउट करनी है, मतलब एक ही लेयर के ऊपर वर्क करना हो। काफ़ी सारे लेयर, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर दो लेयर है अभी मेरे डिस्प्ले पर। देन अगर मैं एक पे अगर मैं यहाँ पर सोलो हिडन पे क्लिक करता हूँ तो वही दिखाई देगी जिस पर मैंने सोलो हिडन ऑन किया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हमारे पास काफ़ी सारी लेयर्स होती है, तो कन्फ्यूजन के टाइम पर बहुत अच्छा वर्क करता है। देन हमारे पास यहाँ पर लॉक होता है, बेसिकली ये हमारा काफ़ी जब काफ़ी लेयर हो जाती है तो एडिटिंग करते वक्त हम कुछ चीज़ों को टच कर देते हैं गलतियाँ जो इधर उधर हिल जाती है, तो वहाँ पर ये लॉक करने के वक्त यूज़ में लिए। एंड अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे सेप लेयर और हमारे पास टाइम एरिया, तो हम कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सेप, जैसे पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी और रोटेशन, जिनके शॉर्ट की होती है। जैसे हम हमारे पास पोजीशन होती है पी, उसकी शॉर्ट की होती है पी फॉर पोजीशन, आर फॉर रोटेशन एंड टी फॉर ओपेसिटी, एस फॉर स्केल, जो कि हमारे पास ये चारों होते हैं। हम शॉर्ट की प्रेस करके भी हम इनको बाहर निकाल सकते हैं एडिटिंग करने के लिए, अदरवाइज हम यहाँ पे हमारे पास एरो का बटन दिया हुआ होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्म मिलता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमको ये यहाँ पर ना जा कर हम शॉर्ट की भी प्रेस करके कर सकते हैं। अगर मुझे पोजीशन चाहिए तो मैं P4 दबाऊंगा एंड पोजीशन मुझे निकल कर जाएगी। मैं चाहता हूँ मुझे इसके साथ में रोटेशन या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर मिले, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा और उसके साथ या मुझे रोटेशन चाहिए शिफ्ट प्लस R, तो मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ मिले। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर बिना शिफ्ट के कोई चीज़ भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ निकल कर आएगी, वन टाइम पर वन ही इफेक्ट निकल कर आएगा। अगर मुझे चाहिए इसके बाद दूसरी भी निकल कर आए तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट का यूज़ करना होगा, एंड यहाँ पर जो भी चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वक्त की एंड पी, यहाँ पर मुझे तीनों चीज़ बाहर आ चुकी है। एंड मैन सबसे शॉर्ट की दूसरी होती है कि मैंने जितनी जगह पे ओपेसिटी, जितने भी मैंने ये यूज़ किए, जितने भी मैंने इफेक्ट पे मैंने इफेक्ट यूज़ किए हैं अपनी लेयर के ऊपर, अगर मैं वहाँ पे शॉर्ट की के लिए यू प्रेस करता हूँ तो जितने भी मैंने इफेक्ट यूज़ किए, की फ्रेम यूज़ की लगाई है, वो सब मेरे निकल के खुल के आ जाएगी यू प्रेस करने से। अगर मैं यू अगेन करता हूँ तो सब हाइड हो जाएगा, एंड यू अगेन प्रेस करता हूँ तो सब निकल जाएगा जितने मैंने लेयर या इफेक्ट वगैरह यूज़ किए हैं। तो और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन स्मॉल एंड बड़ा, तो मीन्स हम यहाँ पे हमारे यूज़ करते हैं हम अपने टाइमलाइन का जो एरिया होता है उसको जूम आउट और जूम इन के लिए। जैसे हमारा टाइम सेकंड है तो मुझे पर फ्रेम के अंदर चाहिए बेसिकली, तो पर फ्रेम के अंदर करने के लिए मैं इसके जूम आउट, मैं इसको जैसे जूम करता जाऊँगा धीरे धीरे, ऐसे ही मैं टाइम के अंदर चला जाता हूँ, मतलब धीरे धीरे। जैसे सेकेंड या आवर है मेरे पास, आवर के अंदर टाइमिंग चल रही है तो वहाँ सेकेंड और पर फ्रेम, तो ऐसे धीरे धीरे मैं जिस चीज़ के अंदर कैपेबल हूँ, मतलब मैं काम किस सेकेंड के अंदर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ में ले सकता हूँ। ये चीज़ मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर में, हम इसको कहीं से भी
कर सकते हैं, मैं चाहूँ यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर मुझे इस तरीके से यूज़ करना होता है, हर समय मैं ये यूज़ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर आप आपके पास बहुत ज़्यादा टाइमिंग वाली वीडियो है, तो बेसिकली अगर आप अपने टाइम के इस एरो के साथ अगर आप लास्ट तक जाते हो तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपके पास आप इसके सहारे जाते हो तो आप बहुत जल्दी ये कवर कर सकते हो। आपके पास कुछ शॉर्ट की होती है, तो मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन फेस होती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी टाइम लाइन में जो मेरा है टाइम लाइन के एरो है वो कुछ लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो। तो अगर मैं ऐसे ट्रैक एंड ड्रॉप मतलब ऐसे इसको लेके जाऊंगा तो काफ़ी टाइमिंग लग जाएगी। यहाँ पर कुछ शॉर्ट की होती है, जैसे कि अगर मैं ओ प्रेस करता हूँ तो मैं लास्ट में पहुँचूँगा, और आई प्रेस करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में आऊँगा। मतलब मैं ओ प्रेस करता हूँ तो लास्ट में, एंड आई प्रेस करता हूँ तो स्टार्टिंग में। एंड यहाँ पर कुछ शॉर्ट की होती है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो टाइम लाइन है, मेरी जो ये वाले लेयर है वो जहाँ मेरा टाइमलाइन के एरो है वो मुझे अपनी लेयर वहाँ पर चाहिए। इसके तरीके से हम दो तीन तरीके होते हैं, इसको हम ऐसे ठाकर उसके ऐसे ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं माउस। एंड सेकंड हमारे पास शॉर्ट की अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके भी लेके जा सकता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पर ओपन होल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता हूँ। मुझे ये बैक साइड से चाहिए कि मुझे ये बैक साइड की पूरी लेयर पीछे से आगे की साइड चाहिए, मतलब पूरी लेयर उठ के अगर मैं ऐसे ड्रैग करके लाऊंगा तो काफ़ी टाइमिंग वाला काम है। अगर मैं यहाँ पे ऑफ होल स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ तो यहाँ पर उठ के ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर दूसरी सिचुएशन में कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये अपनी लेयर, मुझे अपनी लेयर ब्रेक करनी है, या इतना एरिया नहीं चाहिए किसी भी लेयर में, क्या मुझे इतना एरिया जैसे ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो मैं इसके पास मेरे पास दो तरीके होते हैं इसे करने के, या तो मैं इसको ऐसे जब मैं अपना माउस लाऊंगा इसके आगे तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा आइकन मिल जाए जिससे मैं ऐसे ट्रैक करके इसको कर सकता हूँ। एंड सेकेंड मेरे पास शॉर्ट की होती है दूसरी, कंट्रोल शिफ्ट जिससे ये ब्रेक हो जाएगी। या तो मैं इसको दो में, ये बहुत जगह यूज़ में होती है जब हमें किसी लेयर के दो पार्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। एंड सेकंड हम यहाँ पे इसका ब्रेक करने के बाद हम एक को डिलीट भी कर सकते हैं, तो बेसिकली जो पार्ट को चाहिए वो रख सकते हैं। एंड सेकंड हमारे पास होता है वर्क एरिया। यहाँ पर हमारे पास सामने जो वर्क एरिया है, मतलब ये पूरी टाइम लाइन होती है, बट हमारे पास टाइम लाइन के अंदर कुछ वर्क एरिया होते हैं, किस कितने एरिया के अंदर खेलेगा, मतलब कितने टाइम के अंदर हमने अपनी वीडियो बनानी है। अगर हम यहाँ पर, ये हमारे पास वर्क एरिया होता है जिसकी शॉर्ट की होती है, अगर हम यहाँ पर वर्क एरिया हमने अपना 4 सेकेंड्स हम वर्क कर दें तो 4 सेकेंड्स हमारा वर्क एरिया स्टार्ट होना चाहिए। अदरवाइज जिसकी शॉर्ट की होती है, हम यहाँ पर अगर एंड प्रेस करते हैं तो लास्ट से जो हमारा टाइमिंग है हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बी मतलब स्टार्टिंग से हो जाएगा। बी प्रेस करता हूँ तो स्टार्टिंग से, अगर मैं यहाँ पर एंड प्रेस करता हूँ तो मेरा लास्ट वाला इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जितना मेरे को चाहिए, जहाँ पर मेरी इस टाइम टाइमिंग एरो है। अगर मैं यहाँ पर अपना टाइमिंग एरिया जो है वो अब मेरा एनिमेशन है वो सिर्फ इतने ही वर्क एरिया के अंदर चलेगा, जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा वीडियो को तो वो भी सिर्फ इतने ही एरिया की वीडियो आएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वर्क एरिया, जितना मेरा टाइम एरिया, जितना मेरे सामने पैनल दिखाई दे रहा है, मुझे इतने के अंदर चाहिए, बाकी जो टाइमिंग है वो मुझे नहीं देखनी है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एंड ट्रिम और क्रॉप टू वर्क एरिया मुझे ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ, देन ये वर्क एरिया इतना कवर हो जाएगा। टाइम एरिया ये लेयर आपको कॉपी करनी है, मतलब यहाँ पे सेम लेयर आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल डी होता है जो कि कॉपी बनाता है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हमारे पास यहाँ पर कॉपी बन जाएगी, तो कॉपी के लिए कंट्रोल डी होता है। अगर हम अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड होता है। तो जैसे कि हमने जितने भी इफेक्ट इस वक्त शॉर्ट की करके यूज़ किए हैं वो सब चीज़ें हम अपने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने माउस से भी वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हैं और माउस का जो स्क्रॉल डाउन वाला बटन होता है, अगर हम इसको
स्क्रॉल वाला जो सेंटर में बटन होता है, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारी ये टाइमलाइन जूम इन और जूम आउट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एरिया बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा टाइम, मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ, देन क्लिक राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो मैं इसको साइड पर से ड्रैग भी कर सकता हूँ टाइमलाइन को। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव पे माउस के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो ये लेयर है यहाँ पे सेप है, मैं इसको बिना टाइम लाइन के अंदर वैल्यू पे जाए, मैं यहाँ पे इसको जूम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और प्लस प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये स्केल होने लगेगा बड़ा। और यहाँ पर अगर माइनस प्रेस करता हूँ तो स्केल कम होने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर मुझे ये रोटेट करना है तो मैं यहाँ पर ऑल्ट के, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्लस शिफ्ट प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, तो शिफ्ट के साथ प्लस यूज़ करता हूँ तो ये रोटेट वैल्यू हो गई। अगर माइनस यूज़ करता हूँ शिफ्ट के साथ तो ये वो होगा, मतलब कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो स्केल होगी, अगर हम शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे तो रोटेशन होगा, मतलब माइनस करेंगे तो अपोजिट एंड प्लस होगा। तो ऐसी स्केल में डिक्रीज एंड स्केल कम चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास नीचे से भी टाइमलाइन को ऐसे करने के लिए हमें मिलता है, शिफ्ट करने के लिए हमें कहाँ पर क्या चाहिए। हमारे पास अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइमिंग वाला काम है, अब हमारे पास हमने घंटों की वीडियो बनाई है तो हमें कुछ पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर जाना है। अगर हम ऐसे इसको इसको ट्रैक करके लेके जाएंगे तो बहुत लंबा टाइमिंग होगा और पता नहीं एग्जैक्ट टाइम पर हो या नहीं हो। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग दी होती है हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। हम जहाँ पर यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं कि मुझे ये 7 सेकंड पे चाहिए, मैं यहाँ पर अगर 7 सेकंड वो जो आगे दिए होते हैं वो फ्रेम होते हैं हमारे पास, यहाँ पे सेकंड होती है, यहाँ पे आवर होते हैं, मिनट होती है और यहाँ पर सेकंड आवर होते हैं। तो आवर्स, मिनट, सेकंड और फ्रेम, तो इस टाइम यहाँ पर 14 फ्रेम है 7 सेकंड। और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी टाइमलाइन के एरो ऑटोमेटिक वहीं पे एग्जैक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ हेल्पफुल शॉर्टकट मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस को मैं आपको और चीज़ें और बेटर करके बता दूँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे होगा ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बेटर और अच्छा पढ़ाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग।